पटाखे फोड़ने का भी मन नहीं कर रहा। ये भाई ये देखो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज है 12 तारीख और आज दिवाली पाड़वा है और आज कुछ ऐसा मुझे खास नहीं लग रहा बट फिर भी मैंने आज ब्लॉग बना लिया बिकॉज यार ये दिन बहुत सुहाना होता है सबके लिए। और अभी जैसे कि दिवाली की बहुत सब लोग तैयारी करते हैं जैसे कि हमने की है हमारे घर में, जैसे कि रंगोली वगैरह निकाली है दरवाजे पे, ये ऐसे ब्यूटीफुल से फूल्स लगाए वहाँ पे, देखो बहन मस्त रंगोली बना रही है। जब हम चाल में रहते थे ना सब लोग की कंपटीशन चलती थी कि किसकी रंगोली बेस्ट है किसकी रंगोली बेस्ट नहीं है, तो वो दिन तो दिन अलग ही थे क्या। हाँ अभी देखो कैसे फुल, अभी कोई अकेले ही बैठ कर ये सब करना पड़ता है। वो दिन भी क्या दिन थे, एक घंटे में पूरी रंगोली कम्प्लीट और उसके बाद सिनेमेटिक वगैरह निकाल लो। और आपका क्या हाल चाल? ठीक है सब। हैप्पी दिवाली। बाहर तो एकदम वेदर बहुत गर्मी वाला है और बीच में बारिश गिर रही है तो कुछ वेदर का भी बता नहीं सकते, वो आपको भी पता चल ही रहा होगा। यहाँ पे हमारा कंदील है और बाहर हमने लाइटिंग भी लगाई है, मतलब कि ये ग्रिल पे, बाद में बाहर से व्यू दिखाता हूँ आपको। हाँ दिन में कुछ नहीं होता, रात में बहुत लोग पटाखे फोड़ते, मुझे तो कभी कभी समझता ही नहीं कि टॉपिक कौन सा ले व्लॉग में, बट आज फिर भी सोचा मैंने कि व्लॉग बना देता हूँ। भाई मुझे तो घर पे बैठकर इतना बोर हो रहा है, मैंने व्लॉग बनाने का स्टार्ट ही कर दिया बट यार अभी सोच रहा हूँ कि यार बनाऊँ क्या, क्योंकि बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मैं व्लॉग बनाता नहीं तो घर में बैठकर आराम करता, अभी व्लॉग बनाने लिया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। जाते हैं दोस्तों से मिलते हैं। आज बहुत दिनों के बाद साइकिल को बाहर निकाला है भाई। सो फाइनली गाइज अभी आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे देखो जैसे ही बुलाया अपना दोस्त हाजिर। और यश भाई दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना। आणि गाइस तुम्हाला पण दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा सगळ्यांना। पटाखे फोडने का भी मन नहीं कर रहा, ऐसी मेंटेलिटी हो गई है, इसका क्या हिसाब है क्या पता भाई। चलो अभी निकलते हैं, अभी हम जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे पता नहीं चलो यार हर बार का यही है, पता नहीं कहाँ पे जाते हैं। आज हर तरफ बस फोटो शूट चालू है। अभी आ गए देखो पटाखों की शॉप पर, यहाँ पर थोड़े से देखते भाव क्या चल रहा है, बिकॉज भाव ऐसे सुनने में आया कि बहुत ज्यादा है, तो देखते यहाँ पे तो बहुत सारे भाव है भाई। भाई सब कुछ भाव है, एवडे महाग पटाखे भाई ये 300 रुपए का। सो अभी वापस आ गया सोसाइटी के अंदर, आ गए घर वापस। और भाई क्या हाल चाल? चलते फोटो खींचने के लिए। आज छोटी दिवाली है बड़ी दिवाली है? आज बड़ी दिवाली है लग रहा है क्या कुछ ऐसा? हमारे पटाखे भी नहीं आए अब तक। अभी दिन ढलने को आ गया और लाइटिंग भी देखो कैसे मस्त चमक रही है। अभी गए सारे लोग अपने अपने जो वाहन है ना उसको धो रहे, तो अभी हम भी अपने दो स्कूटी को धोते। यहाँ पे देखो अपना भाई कैसे ओला स्कूटर को पोछ रहा है, धो रहा है, और सारे लोग अपने अपने गाड़ियों को कैसे पूजा कर रहे हैं उनकी, तो अभी हम भी थोड़ी सी पूजा वगैरह करते बिकॉज ये दिवाली के दिन बहुत ज़रूरी होता है क्या। अभी दोनों गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के पोछते। अभी हम जा रहे हैं हार लेने के लिए गाड़ी को। सो अभी हम आ चुके हैं वापस अपने घर। भाई इसने इतना भगाया एक हार के लिए बिकॉज हमारी गाड़ी के लिए हार छोटा पड़ गया था। अभी फाइनली हो चुका है सब कुछ और अभी हम जा रहे हैं फोटो शूट करने के लिए। मैंने बस इसको एक बोला कि एक फोटो निकालनी है, कब से नखरे दिखा रहा है भाई तेरे बिना। क्या बोले अभी इसे? अरे काडू एकदम मस्त मस्त फोटो काडू, आई रेडी होती है, बहन रेडी होती है, सगळे जाऊ खाली मस्त फोटो। खाली नाही माझा लांब तिकडे कुठे काय जंगलात नेतो का आता तलावाची। घर में पूजा है वो करते और उसके बाद जाते। सो अभी पूजा भी हो चुकी है, फाइनली दीदी का भी रंगोली बनाकर कंप्लीट हो चुका है और देखो उसके बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। सब लोग अभी पूजा कर रहे हैं पर अपनी गाड़ी की पूजा हो गई है। अभी चलते हैं पटाखे लाने के लिए। अभी आ गए यहाँ पर पटाखे लेने के लिए। और ये वाली देखो मोटी वाली। ये भाई ये देखो, ये सबसे बड़ी सूतली है यहाँ की भाई, बड़े बड़े बॉम्ब की सूतली है। अभी ये सब पैक कर रहे हैं, इसमें सारे पटाखे ले लिए इस थैली में, तो इसमें देखो इतना कुछ सामान है भाई, बहुत कुछ है। तो इस साल फुल
जम के फोड़ेंगे भाई। तो फाइनली अभी निकलते हैं, पटाखे लेकर हो चुके हैं। चलो निकलो, चलो चलो, यहाँ पे देखो कितने सारे स्टॉल है। सो फाइनली हमने इतने सारे पटाखे घर में रख दिए, अभी जाते हैं इसे उड़ाने के लिए। और गाइस मुझे पता है कि बहुत लोग कहेंगे कि यार पटाखे तो यार इस साल इंडिया में बैन है, बट मेरा तो बहुत मन हो रहा है, मैं खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज ये दिन मेरे लिए पहली बार ही आता है साल में। तो यार बैन वैन तो गाइस आपको भी पता है सोसाइटी में सारे लोग कैसे बैन होकर भी फोड़ रहे हैं भाई। तो मुझसे तो खुद का मन रुका नहीं जा रहा, तो चलते अभी। और मुझे तो यार मैं एक्साइटेड हूँ इसको फोड़ने के लिए भाई। धाड़ धूड़ धाड़ सब सब सारा स्ट्रेस इसके अंदर निकाल दो। सो भाई साहब अभी यहाँ पे फूटने वाली पूरी माल लड़ी देखो भाई। डायरेक्ट असेंबली, अरे ये तो बहुत ही छोटी थी। गाइस अभी हम इतने सारे पटाखे फोड़ रहे भाई, ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो जैसे तैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। मेरे हाथ में ये देखो रॉकेट है भाई, सारे लोग फोड़ रहे धड़ाधुम धड़ाधुम। अभी ये देखो ये स्काई शॉट है ना दादा, होन जाओ दे। सो फाइनली आ गए घर वापस, पटाखे वगैरह फोड़ कर बहुत। और फिलहाल इस वाले व्लॉग को यहाँ पे एंड करते, और मुझे आप बताना कि आपने इस साल की दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी, बिकॉज आगे मैं व्लॉग बनाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं दिवाली का स्पेशली करके, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कैसे सेलिब्रेट करी। करते वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली अभी आ चुके हैं अपने घर वापस, पटाखे वगैरह फोड़ कर अभी आ गए वापस घर। सो फाइनली आ गए घर वापस, पटाखे वगैरह फोड़ कर बहुत मजा आया।